हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लोन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन लोन पे। दोस्तों जिस जिस भाइयों ने MMA लोन एप्लीकेशन डाउनलोडिंग किया था, वहाँ से जो लोन के लिए अप्लाई किया था, उसका एक नया वर्जन आ चुका है, एक नया अपडेट यहाँ पर आ चुका है। तो पहले मैं दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पर 1000 रुपये का लोन ले रखा था इस एप्लीकेशन से, MMA एप्लीकेशन से। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो सेक्शन में आप वीडियो देख सकते हो जाकर कि, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो है पुराना वर्जन देख सकते हो। ये भी ये नया वर्जन आया है, नया अपडेट आ चुका है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने 1000 रुपये का जो है रीपेमेंट कर दिया है, यहाँ पे डेट देख लीजिए, 23/4 को मुझे पे करना था, तो यहाँ पर मैंने पहले ही जो है पेड कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, गेट लोन पे जाकर सीधा अप्लाई करेंगे। अगर आपने नया नया एप्लीकेशन डाउनलोडिंग किया तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जो है अपलोड करना। दोस्तों अब हम जो है यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो गेट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। हमने पहले 1000 का लोन जो है पेड कर दिया है, यहाँ पर देखो पेड लिखा हुआ है, नया वर्जन है ये MMA का। ठीक है, MMA लोन एप्लीकेशन का नया वर्जन है। जिन भाई ने पुराना वर्जन डाउनलोडिंग कर रखा है उनसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप नया वर्जन डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो गेट नाउ पे हम क्लिक करेंगे, और जैसे हम गेट नाउ पे क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ वेट चेक एलिजिबिलिटी। ठीक है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, और नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए वाइटों में लिखा हुआ है प्लीज़ डोंट रिफ्रेश पेज, प्लीज़ वेट चेक एलिजिबिलिटी। तो हमको पेज जो है रिफ्रेश नहीं करना है, ऐसे ही जो है हमें अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारी एलिजिबिलिटी क्या दिखाता है, और यहाँ पे जो है हमें कितना अमाउंट देता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोन अमाउंट जो मेरा अप्रूव हुआ है वो 6800 रुपये का अप्रूव हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, यूर लोन एप्लीकेशन हैव बीन टू अप्रूव। टर्नओवर की बात करें तो यहाँ 7 दिन का टर्नओवर है, और टैक्स जो मुझे पे करना है वो 425 रुपये का टैक्स जो है मुझे पे करना है। तो दोस्तों फटाफट जो है हम ये टैक्स को पे करके उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस देखते हैं कि कितनी देर में हमारे खाते में पैसा आता है। तो हम फटाफट जो है टैक्स को पे कर देते हैं। किसी सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं हाइड कर रहा हूँ उसे, जो है ये पर्सनल डेटा है मेरा। ठीक है, तो ये हमने पेमेंट जो है सक्सेसफुली जो है यहाँ से कर दी है, अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए बता देता हूँ पहले। ठीक है, ये सब हटा दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट अमाउंट 5294 रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होगा, प्लीज़ वेट फॉर मनी ट्रांसफर योर बैंक अकाउंट एंड 5 मिनट इंस्टेंटली ट्रांसफर योर बैंक अकाउंट। मतलब मुझे 5 मिनट मुझे वेट करना पड़ेगा। और नीचे जो यहाँ पे ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ वेट फॉर योर मनी ट्रांसफर योर बैंक अकाउंट, प्लीज़ डोंट रिफ्रेश योर पेज एंड 5 मिनट। तो मुझे 5 मिनट यहाँ पे वेट करना है। तो दोस्तों बैलेंस जो है हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, ये मैसेज आप देख सकते हो, HDFC का बैंक है मेरा, और इसमें जो 5294 रुपये जो है क्रेडिट करे गए हैं। तो आप मैसेज देख सकते हो, मैसेज में पूरा डिटेल्स है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।